तो देख रहे हैं फ्रेंड किस प्रकार से जल बर्बाद करी छे। ये लड़के लोग आ गए, ओए इधर इधर। नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग कमेंट कीजिए। आज हम लोग अंबिकापुर से पिकनिक जा रहे हैं अमृत धारा। तो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आज का मतलब कि अमृत धारा कैसा जगह है। मैं पहली बार जा रहा हूँ और आप लोगों को वहाँ का पूरा दृश्य दिखाऊंगा और पिकनिक किस टाइप से मनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मतलब कि मात्रा में जा रहे हैं। 3 बस बुकिंग किए हैं, तो सोचिए कितना आनंद आने वाला है। तो आप लोग बस बने रहिए, हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पिकनिक ले जाने के लिए, यहाँ पर पानी बोतल बाहर निकाल रहे हैं भाई लोग। और नीचे रख देते तो ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पर और देख रहे हैं कि ये सब जितने भी आए हैं ये लोग पिकनिक के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर एक आदिवासी कल्याण आश्रम है, यहाँ पर कल ही पानी ला के रख दिए थे हम ही लोग पानी का बोतल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। और यहाँ पर टंकी वगैरह भी है। बीस कार्टून है पानी। देख रहे हैं यहाँ दुर्गा बस जाने वाली है। और यहाँ पर जो भी बैनर लगा बनवाया गया था उसे यहाँ पर लगाया जा रहा है। भारत माता की जनजाति गौरव युवा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनजाति गौरव समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत यहाँ पर बस में चढ़ रहे हैं अभी। देख रहे हैं पूरे पिकनिक के या पिकनिक वाले दोस्तों। तो फ्रेंड हम लोग वहाँ से निकल गए हैं अंबिकापुर से, अभी सूरजपुर में है। और यहाँ पर रेलवे पटरी पास है, आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो फ्रेंड हम लोग अमृत धारा पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ पर बोट देख सकते हैं। और सभी दोस्त लोग उधर गए हैं, बस इधर बाकी आप लोग देखिए। आइए आप लोगों को दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड, तो हम लोग अमृत धारा जलप्रपात पहुँच चुके हैं। मैं तो पहली बार आया हूँ, भैया पहले आ चुके हैं, मानसून भैया हैं। तो अभी हम लोग घूमने का बहुत इच्छा हो रहा है, लेकिन क्या है कि पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। चलिए नाश्ता करते समय दिखाता हूँ। यहाँ पर नाश्ता भी मतलब वितरण हो रहा है और देख रहे हैं युवा लोग नाश्ता ले रहे हैं। और यहाँ पर जलेबी बनी है, जो कि मीठा मीठा खाएंगे तो अच्छा अच्छा विचार। पोहा बना है और जलेबी साथ में। यहाँ पर नाश्ता करने के बाद सभी को घूमने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और देखें यहाँ पर लाइन लग के 10-10 का टीम बना रहे हैं, और 10-10 का टीम बना करके घूमने जाएंगे। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर बहुत कोई नए नए आए हैं और यहाँ पानी एरिया है और बहुत जगह गड्ढा भी है, तो साथ में जाने से ज़्यादा बेटर होगी इस कारण। और तो देख रहे हैं भैया लोग बता रहे हैं। और नाश्ता तो हम लोग भरपेट के कर लिए हैं। और भाई लोग आप लोगों को कोई शिकायत उकायत है यहाँ के बारे में कुछ? भैया लाइन उन बस मत लगिएगा, क्योंकि स्कूल लाइफ नहीं है, क्योंकि भाई बड़े हो गए हैं, मज़ा नहीं आएगा वैसे में। आप लोग घूमने आए हैं, मस्ती कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिएगा भाई। फ्रेंड फाइनली हम लोग अमृत धारा के पास पहुंच चुके हैं। तो आप लोगों को दिखाता हूं धारा कैसे बह रहा है। यही है वो धारा जिसको देखने के लिए हम दूर से आए हैं अंबिकापुर से। ये है वो धारा, देखिए दोस्तों, आप लोगों को धारा पास से दिखाता हूं। ये है धारा, देखिए धारा कर रहे हैं। देखिए उनका फोटो बहुत जरूरी है, फोटो बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, और बहुत सारा जनसंख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। क्या भैया बहुत सारा जनसंख्या में है भैया? मैं और ये है अमृत धारा। हाँ ये मैं और ये अमृत धारा, यहाँ पार्टी हो रही है। वाह देखिए पूरा फुल मस्ती में भाई लोग हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। अगर अमृत धारा को अगर आपको टेस्ट करना है तो आइए। हाँ चलिए भैया टेस्ट करा लीजिए, टेस्ट करिए। पीके दिखिएगा अमृत धारा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पिकनिक के लिए आए हुए हैं। और देख रहे हैं यहाँ पर खाने पीने का सुविधा यहीं पे बन रहा है। इधर बोल रहा है इधर दूधी धारी है, नहीं क्या बोलते हैं अमृत अमृत दूध धारा।
और इधर देख रहे हैं यहाँ पर खाने के लिए व्यवस्था, देख रहे हैं पूरा डबक रहे, यहीं पे खाने के लिए व्यवस्था जो भी बन रहा है, और जो हम लोग चावल वगैरह लाए थे यहीं पे लाया गया है, अभी बनेगा उसके बाद हम लोग बाद में खिलाया जाएगा, उतना तक हम लोग इधर घूमते हैं। कोहड़ा है, ढंका है, ढंका। और यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से जल कुंड बना है, कुंड बोलते हैं इसको, इसको नहीं, इसको क्या बोलते हैं, पठार। पठार है, पठार। जैसे कि हम लोग छोटा नागपुर में आए हुए हैं और यहाँ का जो दृश्य देखिए ना आप लोग, किस प्रकार से मतलब कि चट्टान को फाड़ करके जो अपने लिए जगह बनाया है, बहुत ही आश्चर्यजनक और देखने योग्य है। आप लोग कभी आइए तो देखिए, हम लोग आप लोगों को दिखाते रहूँगा इसके बारे में। चलिए आप लोगों को ये चट्टान से होते हुए दूसरे चट्टान के नदी। मैं इस पिकनिक के बारे में दो शब्द बोलूंगा। हाँ बोलिए भैया, दो शब्द बोलिए, जरूर बोलिए, अभी बोलिए। आने वाले दिन के लिए विश्व प्रसिद्धि कोरिया जिला का ये जाने माने पिकनिक स्पॉट प्लेस माना जाता है। हाँ हाँ, यहाँ पे स्विमिंग पूल का बहुत बड़ा संभावना हो सकता है, गवर्नमेंट इस पर विचार कर। अच्छा, एक कोरिया जिला में आता है ना, कोरिया जिला का सबसे। हेलो, कौन है, थोड़ा सा दिलों को दिखाते हैं। तो देख रहे हैं किस प्रकार से पार हो रहे हैं अमृत धारा जलप्रपात में, देखे होंगे आप लोग, कभी नहीं देखे होंगे। देखिए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, जूता चप्पल पकड़ते हुए पार हो रहे हैं इधर, और यहाँ बहुत ही शानदार कोरिया जिला का जलप्रपात। कभी भविष्य में यहाँ पर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनने की संभावनाएं हैं, इस पर सरकार जांच पड़ताल कर रही है। और जैसे कि हम लोग को यहाँ से डेग करके पार होना पड़ेगा क्योंकि जूता पहने हुए हैं, और डेगेंगे नहीं। भाई को देखिए किस प्रकार से डेगने वाला है, क्या देखे, कम ऑन गाइस, कम ऑन, डेग दिया, मैं भी डेग लेता हूँ, जंप करता हूँ, ये पक्का गया, अरे बच गया। तो आप लोग मैं जलप्रपात को दिखाता हूँ, यही वाला अमृत धारा जलप्रपात है जो कि उधर से बहते हुए इधर आ रहा है, और यहाँ से पिकनिक के लिए उस पर जा रहे होंगे शायद। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बाल कटवाने की बात कर रहे हैं भाई साहब। कितना रुपए ले रहे हैं भाई आपके लिए? 500। अच्छा, ब्लॉग से कमाते हैं ना भैया, उनको 500 बताइएगा। हां तो देख रहे हैं भैया के माध्यम से यहां पर छिले उले चल रहे हैं, आएंगे अभी नहा धुआ के नहीं आएंगे, मतलब कि बाकी। अच्छा, और कैमरामैन भाई फोकस करूं, मेरा नाम नवनीत भाई, नवनीत नॉनिट मीन्स टाइगर। थैंक यू, थैंक यू। तो देख रहे हैं भाई लोग वहाँ पर मिले, और भाई के बहन जो भी थे होंगे, वो चैनल का नाम पूछ तो मैं बता दिया। मैं यहीं से आप लोगों को जलप्रपात जो भी है देखिए, यहाँ से किस प्रकार से धुआं उठते हुए यहाँ से गिर रहा है, टीम में है ये लोग, हमारा टीम से है। वाह, बहुत ही खूबसूरत नजारा है इधर का। ये है अमृत पार्क। अच्छा, इसमें से इसे जा सकते हैं क्या? मैं यहाँ से देखिए किस प्रकार से यहाँ से छलांग मार के यहाँ पर पार हो गया, और खूबसूरत नज़ारा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा गाइस। ये देखिए पानी किस प्रकार से उधर से बहते हुए आ रही पानी, और ये वाला जो जल यही वाला है अमृत धारा जो कि यहाँ से बहते हुए नीचे गिर रही है, और अच्छा नज़ारा है। बाकी मैं पीछे और दोस्त बढ़िया है ना सब, हाँ देखते रहो नज़ारा का आनंद लो भाई, मैं भी देख। अरे वाह, सुपर स्विमिंग पूल, आने वाले भविष्य में यहाँ पर स्विमिंग पूल बन सकता है, पूरा स्विमिंग पूल ही लग रहा है। और गाइस आप लोग कैसे हैं? अच्छा, वाह बहुत ही खूबसूरत है इधर से, और अच्छा लग रहा है यार, बचाओ के सोच कितना पास जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से दूर से ही बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कितना अच्छा लग रहा है ना, शानदार है। अगर इसी लोग नीचे से देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। अमृत धारा जलप्रपात इस प्रकार से,
तो इसी प्रकार इन लोग से हम लोग पूछते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पर क्या दिख रहा है खास, क्या है यहाँ पर? पानी दिख रहा है, पानी के अंदर कुछ और दिख रहा है, अब देखिए कौन सा दिख रहा है, हीरा हीरा देख रहे हैं यहाँ पर, डायमंड दिख रहा है भाई को। और ये देखिए स्विमिंग पूल, भाई घुसेंगे? नहीं नहीं मत घुसो भाई, यहाँ से देखो भाई माहौल आ गया भाई, शिव भाई चले नीचे। यहाँ पर का जलप्रपात देख रहे हैं आप लोग, एक नंबर का है भाई, एक नंबर का, पूरे आनंद माहौल ले रहे हैं, माहौल भाई माहौल। कभी आप लोग नहीं आए हैं तो आ लीजिए, मैं भी पहली बार आया हूँ, अभी आधा ही देखा हूँ। ये रंजीत भाई से पूछते रहिए, देखो यहाँ से किधर भाई, किधर से? यही है अमृत धारा, देखो देखो। और भाई और कुछ बताएंगे अमृत धारा के बारे में? अमृत धारा में कुछ नहीं मिलेगा, बस पानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बड़ा बड़ा अमृत धारा मतलब अमृत पानी, देख रहे किस तरह से बह रहा है उसी को धारा बोलते हैं। ये है यार अमृत धारा। अच्छा यही है, यही है ना, यही ना भैया। चलिए तो फ्रेंड ये आप लोगों को दिख रहा है अमृत धारा, यहीं पे है, ज्यादा दूर में नहीं है, जो कि आप लोगों को उसी समय से दिखा रहे हैं धारा क्या है, धारा क्या है। तो पानी ही वो धारा है जो कि बहते हुए चट्टानों से गिर बहते हुए नीचे गिर रहा है। खासियत ये है कि भाई बताएगा क्या खासियत क्या है वो बताएगा भाई। अरे सहज मज पानी है, वो डबरी जो कहीं जा रहा है हो गया आज का, ये वही पानी है जिसको हम लोग देखने के लिए दूर अंबिकापुर से आए, नदी से ये पानी आ रहा है, चट्टान निकल के आ रहा है और जिसे हम लोग अमृत धारा बोल देते हैं भाई। यहाँ पता है एक ही मैं खास गौर किया, यहाँ स्विमिंग पूल भी है लेकिन नीचे है स्विमिंग पूल वो है ना, और यहाँ स्लाइड करने के लिए सबसे अच्छा प्लेस है का वैसे मत बोलो, मत बोलना यार इसको, इसके लिए तो ब्लॉक कर देंगे। हाँ मेरा ब्लॉक ब्लॉक हो जाएगा। तो आप लोग देखिए कभी इतना जल्दी नहीं गिरूंगा यार। जो कि यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा सूट है, और देख रहे हैं नीचे बहुत सारे लड़के लोग नाच रहे हैं, देख रहे हैं। अमृत धारा में आए हैं, यहाँ बहुत अच्छा शानदार जगह है। हाँ यहाँ प्रकृति की गोद में बसा ये अमृत धारा मेरा तो रे यार ये वाला कुंड कैसे मतलब गोल गोल बहुत गोल गोल के आकार में बहुत सारा हो गया, तो कैसे हो गया उसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिए। और ये वाला को तो देखिए जैसे इधर से इस पार बहुत ही है, देखिए तो देख रहे हैं फ्रेंड किस प्रकार से जलप्रपात के नीचे ये लड़के लोग आ गए। ओए इधर इधर चलो भाई आ जाओ जाओ। बैला डीला दख दे से भारी उजर मचु बस्तर सभों को जय श्री राम। मैं नवनीत मेंज, मैं भी एक गांव से हूं, और जैसे कि आप लोग मतलब एक हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ाना है तो उसके बारे में चर्चा करने के लिए बोले हैं, तो मैं अपना विचार रखूंगा। जैसे कि मेरे गांव में भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो गलत रास्ते पर चले गए हैं, और मेरे को लगता है कि उनको सही रास्ते में लाने के लिए जो मेरे मन। हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग अमृत धारा जलप्रपात पिकनिक गए हुए थे और वहां का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा शानदार था, और वो कार्यक्रम सफल अच्छा से हुआ और हम लोग सही सलामत घर पहुंच गए हैं। तो जो वीडियो बनाया बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग विदा लेते हैं, अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत करेंगे। तो ठीक फिर गाइस, जय हिंद जय भारत।